ये तस्वीर अपने आप में खास है। खुद को पीएम मोदी का हनुमान कहने वाले चिराग पासवान ने जैसे ही पीएम मोदी को पैर छूकर प्रणाम किया, नरेंद्र मोदी ने बिना देर किए फट से चिराग पासवान को अपने सीने से लगा लिया। अब इस तस्वीर की खूब चर्चा हो रही है। इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। पीएम मोदी के सामूहिक स्वागत के बाद मोदी सभी नेताओं से एक एक करके मिल रहे थे, उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। सबसे पहले उन्होंने आरएलजेडी चीफ उपेंद्र कुशवाहा से हाथ मिलाया और अभिवादन स्वीकार किया। फिर दक्षिण के सभी नेताओं से उन्होंने एक एक कर हाथ मिलाया। लेकिन इसी बीच मोदी अपने हनुमान यानी कि चिराग पासवान को ढूंढते भी नजर आए। जैसे ही मोदी की नजर चिराग पासवान पर पड़ी, उन्होंने फौरन चिराग को इशारा किया। सभी नेताओं को साइड करते हुए चिराग पासवान नरेंद्र मोदी की तरफ बढ़े और झुककर मोदी जी को प्रणाम किया। चिराग पासवान के सम्मान के बाद नरेंद्र मोदी ने चिराग के गालों पर हाथ भी फेरे और उन्हें प्यार से आशीर्वाद भी दिया। मोदी यहीं नहीं रुके बल्कि चिराग पासवान को सीने से लगा लिया। आपको बता दें कि दिल्ली में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की बैठक हुई, जिसमें देश भर की 38 पार्टियों ने हिस्सा लिया। बिहार में उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, पशुपति पारस और चिराग पासवान इसमें बड़े चेहरे के तौर